आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। महाराष्ट्र के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी। 28,000 से अधिक लोगों के मरने की आशंका। लातूर और उस्मानाबाद जिलों के 60 से अधिक गांव पूरी तरह नष्ट। देश विदेश से राहत सहायता की घोषणाएं। और 8वीं योजना में गैर परंपरागत ऊर्जा द्वारा 30,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य। महाराष्ट्र के भूकंप प्रभावित लातूर और उस्मानाबाद जिलों में बचाव और राहत कार्य पूरे जोरों पर चल रहे हैं। अब तक प्राप्त समाचारों के अनुसार भूकंप से 28,000 से अधिक लोगों के मरने की आशंका व्यक्त की जा रही है। सबसे अधिक नुकसान लातूर के किल्लारी और उस्मानाबाद के उमरगा गांव में हुआ है। एजेंसी के अनुसार दोनों जिलों के 60 से अधिक गाँव भूकंप के कारण पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। मलबे में दबी लाशों को निकालने का काम जारी है तथा मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है। लातूर के जिलाधीश के अनुसार अब तक 1600 से अधिक लाशें निकाली जा चुकी हैं तथा 50 से अधिक लोगों की अंत्येष्टि की जा चुकी है। किल्लारी गांव में 10,000 से अधिक लोगों के मरने की खबर है। प्रत्यक्षदर्शियों ने दूरदर्शन को दुर्घटना के बारे में बताते हुए कहा। चार बजे एक तकरीबन एक 30-40 सेकंड जमीन हिल रही और ऐसे हालत में लोग सब नींद में थे और दीवारें वगैरह गिरने की वजह से रास्ते अंदर से ब्लॉक हो गए। बाहर जाने के लिए मौका ही नहीं मिला, लेकिन बचा नहीं कोई, एक भी बचा नहीं साहब। कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ऊपर वाला जो है वो क्या करेगा सो करेगा। तकरीबन 8-9 हजार लोग मर गए, हर घर में 9, 4, 2, 10 मरे हुए थे। बिगला निकाले कि उसके नीचे लाश है। हम जब ये 5-6 गांव में जाके आए तो पूरे गांव ऐसे ही कोलैप्स हो गए, पूरे उनके मकानात गिर गए हैं और लोग बाहर कोई नहीं है। कितने लोग मरे होंगे? अंदाजे आप 10 के आगे गए होंगे, 10,000 के आगे। सेना और अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ियां भूकंप ग्रस्त इलाकों में भेजी गई हैं। दवाइयों और भोजन सामग्री को लेकर आज एक विशेष हवाई जहाज पीड़ित इलाकों में पहुंचा। चिकित्सकों के और दल भी प्रभावित क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री शरद पवार राहत कार्यों की स्वयं निगरानी कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और उनकी पूरी चिकित्सा की जा रही है। महामारी से बचाने के लिए लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं तथा पीड़ितों के लिए राहत शिविर खोले जा रहे हैं। नौसेना के 10 चिकित्सक दल भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भेजे गए हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने सभी सरकारी समारोहों तथा भोज के आयोजन एक हफ्ते तक निरस्त करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव भूकंप पीड़ित इलाकों का कल दौरा करेंगे। उन्होंने महाराष्ट्र के भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री सहायता कोष से 10 करोड़ रुपये की देने की घोषणा की है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक में स्थिति की समीक्षा की गई तथा राहत कार्यों में हर संभव सहायता देने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता श्री राव ने की।
कर्नाटक में भी कल आए भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। अनेक विदेशी राष्ट्रों और संस्थाओं ने महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में कल आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए राहत सहायता की पेशकश की है और जानमाल की भारी तबाही पर शोक संदेश भेजे हैं। जापान ने आज टोक्यो में घोषणा की कि वह भूकंप पीड़ितों को $25,000 की सहायता देगा। जापानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार भारत में त्रासदी राहत दल भेजने की भी तैयारी कर रही है। जापान की रेडक्रॉस संस्था ने $52,380 की आपात सहायता देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मोहम्मद शफी कुरैशी ने महाराष्ट्र और अन्य क्षेत्रों में भूकंप से पीड़ितों के लिए संवेदना व्यक्त करते हुए लोगों से अपील की है कि वे मुसीबत की इस घड़ी में प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भरपूर मदद करें। आज भोपाल दूरदर्शन से बातचीत में उन्होंने कहा, हमें इस बड़े हादसे पर इंतहाई अफसोस है और हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ उन लोगों के साथ हैं जो इस भूकंप का शिकार हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 50 लाख रुपए की माली मदद भेजी है और भी अगर ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से डॉक्टर और मेडिसिन भेजने के लिए भी तैयार हैं। इस ऐसे वक्त पर जबकि हमारे मुल्क के एक हिस्से पर भी आफत आई है, ये हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम हर तरह से अपने भाइयों की मदद करने की कोशिश करें और जितना भी हमसे हो सके इसमें योगदान करें ताकि इस मुसीबत के वक्त में हम अपनी एकता का सबूत दे सकें। मुझे अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से और मध्य प्रदेश के लोगों की तरफ से अपना गम इजहार करने का और अपनी हमदर्दी जाहिर करने का ये मौका मिला है। मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ अपने मुसीबत ज़दा भाइयों को कि हम इस मुसीबत वक्त में उनके गम के साथ उनके शरीक हैं। राज्य के अनेक कर्मचारी संगठनों ने महाराष्ट्र के भूकंप पीड़ितों के लिए अपना एक दिन का वेतन राहत के रूप में देने की घोषणा की है। विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा सचिवालय अधिकारी संघ, माध्यमिक शिक्षा मंडल कर्मचारी संघ, पर्यटन विकास निगम, मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के भोपाल संभाग के कर्मचारियों, सीहोर जिला कलेक्टर, राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा संघ के सदस्यों ने भी एक दिन का वेतन देने की घोषणा की है। मानव अधिकार आयोग कार्यालय के कर्मचारियों ने शोक सभा का आयोजन कर भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, सचिवालयीन कर्मचारी और लघु वेतन कर्मचारी संघों की ओर से कर्मचारियों के आधे दिन का वेतन भूकंप पीड़ितों की सहायतार्थ देने का निर्णय लिया गया है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में 4 अक्टूबर को प्रस्तावित हड़ताल स्थगित कर दी गई है। बैंकिंग उद्योग और वित्तीय संस्थाओं की संयुक्त संघर्ष समिति ने आज नई दिल्ली में यह फैसला महाराष्ट्र के भूकंप के मद्देनजर लिया है। पुणे और बम्बई में 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले तीसरे राष्ट्रीय खेल इस विनाशकारी भूकंप के कारण स्थगित कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस आई के अध्यक्ष श्री दिग्विजय सिंह ने भूकंप पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री सिंह ने सभी कांग्रेसजनों से अपील की है कि वे भूकंप पीड़ितों को राहत पहुंचाने में भरपूर मदद करें। संगठन मंत्री श्री तनवंत सिंह कीर तथा संयुक्त सचिव श्री मानक अग्रवाल ने भी भूकंप की विनाशलीला पर गहरा दुख प्रकट किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भोपाल इकाई ने आज एक शोक सभा का आयोजन कर भूकंप में मरने वालों के प्रति 2 मिनट मौन खड़े रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसमें सचिव श्री हबीब और शायर श्री याकूब आरिफ सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री लखीराम अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा तथा श्री कैलाश जोशी आदि नेताओं ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में भूकंप पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के महामंत्री श्री मुनव्वर सलीम ने भी दुर्घटना पर गहरी संवेदना प्रकट की है। सोलर कुकर पर पहली राष्ट्रीय कार्यशाला आज भोपाल में हुई। इसका उद्घाटन गैर परंपरागत ऊर्जा राज्य मंत्री श्री एस कृष्ण कुमार ने किया। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में गैर पारंपरिक ऊर्जा के विकास तथा उसे लोकप्रिय बनाने के मुद्दों पर विचार किया गया। अपने उद्बोधन में श्री कृष्ण कुमार ने बताया कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि आगामी 1 नवंबर से देश भर में स्थित करीब 400 चीनी मिलों द्वारा ऊर्जा उत्पादन को जनरेशन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि देश में पशु ऊर्जा कार्यक्रम तथा पवन ऊर्जा से 20,000 मेगावाट और बायोमास से 17,000 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य है। राज्यपाल के सलाहकार श्री अजीत सिंह ने सौर ऊर्जा के अधिकाधिक दोहन किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि विकसित तकनीक के अभाव में अभी तक इस ऊर्जा का पूरी तरह दोहन नहीं हो सका है। कार्यशाला को केंद्रीय गैर पारंपरिक ऊर्जा सचिव श्री LN मैनजीज, राज्य के प्रमुख सचिव श्री अरुण कुमार तथा ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक श्री राम सजीवन ने भी संबोधित किया। कार्यशाला में बताया गया कि राज्य में अब तक 1,00,000 सोलर कुकर बेचकर रिकॉर्ड बनाया गया है। केंद्रीय गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री कृष्ण कुमार ने कहा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देश में फोटोवोल्टेइक प्रणाली द्वारा 10,000 गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा। आज भोपाल में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि इसी दौरान गैर परंपरागत ऊर्जा द्वारा 30,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किए जाने का भी लक्ष्य है। श्री कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश के बिलासपुर में स्थित लोरमी गाँव राज्य का पहला सौर ऊर्जा गाँव होगा। इसके अलावा उनके मंत्रालय ने राज्य के सौर ऊर्जा उत्पादन की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि अयोध्या मामले पर वे कांग्रेस आई द्वारा माफी मांगे जाने के पक्ष में नहीं हैं। राज्यपाल मोहम्मद शफीक कुरैशी ने कल गांधी जयंती से प्रधानमंत्री द्वारा घोषित रोजगार आश्वासन योजना का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में भी पूरे मनोयोग से शुरू करने की हिदायत दी है। श्री कुरैशी आज भोपाल में होशंगाबाद तथा भोपाल संभागों में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आने वाले 2 महीनों में प्रदेश में निर्वाचन प्रक्रिया चलते रहने के बावजूद जिला कलेक्टर विकास गतिविधियों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करें, जिससे देहाती इलाकों में सर्वहारा वर्ग को रोजगार मिलता रहे। राज्यपाल ने आगामी विधानसभा निर्वाचन के दौरान कानून एवं व्यवस्था की संभावित स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को समय रहते संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान करने तथा चुनाव के समय कानून एवं व्यवस्था की बेहतर स्थिति बनाए रखने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कमिश्नर श्री KT चाकू ने जानकारी दी कि दोनों संभागों के बाकी 350 समस्यामूलक गांवों में इसी वर्ष विभागीय जल स्रोत स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने स्टॉप डैम उन्हीं गांवों में बनवाने को प्राथमिकता दी जा रही है जहां पर प्रायः ग्रीष्मकाल में जल अभाव की स्थिति बनती है। बैठक में एक शोक सभा भी हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र में भूकंप में मृत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। झाबुआ जिले के अंतरबेलिया गांव में करीब 1 किलोमीटर लंबे और 4 किलोमीटर चौड़े टिड्डी दल ने आज दोपहर प्रवेश किया। लाखों की संख्या में इस टिड्डी दल की टिड्डियां देखते ही देखते पेड़ों और फसलों पर छा गईं, लेकिन आदिवासियों द्वारा ढोल और बर्तन बजाने के कारण जल्दी ही उड़ गईं। अंतरबेलिया गांव में इस दल ने ओरडी और जूना पानी क्षेत्र में प्रवेश किया और अब ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कल्याणपुरा तथा पलाहडी गांव की ओर बढ़ रहा है। शाम तक इस दल के इन गांवों में पहुंचने की आशंका है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि जिले में टिड्डी दल से निपटने के लिए BHC कीटनाशक और मिट्टी के तेल का पर्याप्त भंडार है। सूत्रों के अनुसार इस दल के धार जिले की ओर बढ़ने की संभावना है। राज्यपाल के सलाहकार श्री M. नटराजन ने प्रदेश में स्वैच्छिक रक्तदान आंदोलन चलाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे आवश्यकता पड़ने पर रक्त की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। श्री नटराजन रक्तदान दिवस पर आज भोपाल में रक्तदान के प्रति उदासीनता के कारण एवं निदान के सुझाव विषय पर आयोजित परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन मध्य प्रदेश स्वैच्छिक रक्तदाता संगठन द्वारा किया गया था। श्री नटराजन ने सुझाव दिया कि लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार प्रसार पर बल दिया जाए, साथ ही स्वैच्छिक रक्तदाताओं की एक टीम हर नगर और कस्बे में बनाई जाए। इस अवसर पर श्री नटराजन ने 5 से 10 बार तक रक्तदान करने वालों तथा पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। आरंभ में महाराष्ट्र से आए भूकंप में मृतकों की आत्मा को शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस अवसर पर रक्तदान का भी आयोजन किया गया। मजदूरी के अंश के रूप में खाद्यान्न वितरण के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। पिछले अगस्त महीने तक लगभग 1,20,000 टन खाद्यान्न मजदूरी के रूप में वितरित किया गया। देश में पिछले वर्ष 1 नवंबर से जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कार्यरत मजदूरों को मजदूरी के एक अंश के रूप में खाद्यान्न देने की योजना शुरू की गई थी। होशंगाबाद के पवारखेड़ा में स्थित आंचलिक अनुसंधान केंद्र में कल कृषक प्रशिक्षण और उन्नत कृषि यंत्रों का प्रदर्शन किया गया। इसका आयोजन कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, आंचलिक अनुसंधान केंद्र, जल एवं प्रबंध भूमि संस्थान तथा कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था।
और अब भोपाल का तापमान अधिकतम 33.33 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा। कल सूर्योदय 6:12 पर और सूर्यास्त 6:08 पर होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाराष्ट्र के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी। 28,000 से अधिक लोगों के मरने की आशंका। लातूर और उस्मानाबाद जिलों के 60 से अधिक गांव पूरी तरह नष्ट। देश विदेश से राहत सहायता की घोषणाएं। और 8वीं योजना में गैर परंपरागत ऊर्जा द्वारा 30,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।